नमो टीवी पर चुनाव आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से जवाब मांगा। प्रधानमंत्री मोदी का मैं भी चौकीदार कार्यक्रम का प्रसारण करने पर दूरदर्शन को भी चुनाव आयोग का नोटिस। कांग्रेस का अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर हमला, वीडियो जारी कर कहा काफिले से 1,80,00,000 रुपए बरामद हुए। पूछा क्या पैसे का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ लाने के लिए किया गया। बिहार के सीतामढ़ी में नामांकन भरने से पहले जेडीयू उम्मीदवार डॉक्टर अरुण कुमार ने टिकट लौटाया, कहा बीजेपी और जेडीयू के स्थानीय नेता उन्हें तवज्जो नहीं देते। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 20 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी, चंडीगढ़ से पवन कुमार बंसल और पटियाला से पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को टिकट। गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने सीजे चावड़ा को उम्मीदवार बनाया। राजस्थान के किशनगढ़ में शादी समारोह में खाना खाने से 10 बच्चे समेत 70 लोग बीमार। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बिरला हॉस्टल के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने छात्र को गोली मारी, चीफ प्रॉक्टर समेत 5 लोगों पर हत्या का केस दर्ज। और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की लगातार चौथी हार, राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। वानखेड़े में आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला।